दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपनी प्रेमिका को या फिर अपने प्रेमी को वापस अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो चीज़ें बहुत ही आसान हैं जो आप अपने घर पर ही आपको मिल जाएंगी और आप उससे इस वशीकरण को कर सकते हैं। इस वशीकरण को करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा बर्तन चाहिए होगा जिसमें आप इस वशीकरण को कर सकते हैं। जी हाँ, और उसके बाद आपको चाहिए होंगी कुछ और चीज़ें, जैसे कि आपको कागज़ के टुकड़े चाहिए होंगे लिखने के लिए। उसके बाद आपको चाहिए होगा सिंदूर जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके अलावा आपको चाहिए होंगी दो लौंग और एक कलम चाहिए होगी आपको। इसके ज़रिए आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें कागज़ के ऊपर लिखना है अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम, जिसे आप अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं, उसका नाम आपको लिख देना है। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने ये दो लौंग डाल दी हैं, दो माचिस की तीली डाली है, और दोस्तों इस कागज़ पर आपको अपना नाम लिखना है। और अगर कोई लड़की कर रही है तो पहले प्रेमी का नाम लिखें, नीचे प्लस का साइन बनाए और नीचे उसके नीचे वो अपना नाम लिख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। आप काला या लाल कोई भी पेन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इसे इस तरह से मोड़ कर डाल देना है इस बर्तन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आपको इस बर्तन में वो चीज़ डाल देनी है। उसके बाद दूसरे कागज़ पर आपको लिखना है ओम मम वश्यम। यहाँ पर आपको लिखना है अपनी प्रेमिका या प्रेमी का नाम, और यहाँ पर आपको लिखना है कुरु स्वाहा। इस तरह से आपको ये बनाना है दोस्तों, और उसके बाद आपको इसे भी इस तरह से मोड़ना है। लेकिन दोस्तों मोड़ने से पहले आपको क्या काम करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहले थोड़ा सा सिंदूर लेना है और उसके बाद आपको उसका इस्तेमाल करना होगा। इसको करने के लिए सिंदूर को आपको निकालना है, और उसके बाद सिंदूर आपको ये जो माचिस की तीली हमने ली थी उसमें इसको ऐसे डुबा देना है ताकि तीलियों पर अच्छी तरह से सिंदूर लग जाए। जब ये सिंदूर लग जाएगा उसके बाद आपको दोनों कागज़ जो है इसमें देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने लगा दिया है, ये तीलियों पर सिंदूर लगा हुआ है। इसके बाद आप इसे निकाल लीजिए इसमें से, इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर सिंदूर लगा हुआ है। इसे आप इस कटोरी में से रखिए और जो बाकी का सिंदूर है उसे आपको इसी में इस तरह से, जो ये कागज़ आपने लिया था उसका जो भी बाकी का सिंदूर है वो आपको इसमें से, आप चाहें तो इसे वापस डाल सकते हैं उसी बर्तन में, क्योंकि हमें इतने सिंदूर की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि आप इसे हटा दीजिए, इसमें थोड़ा सा सिंदूर लगा रह जाएगा, बस इतना काफ़ी है। अब आप इसे इस कागज़ को भी अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। इसे फोल्ड करने के बाद आप इसे ऐसे इसमें रख दीजिए। और दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसे जलाना है। जी हाँ, आपको इसे जलाना होगा और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। जब आप इसे जलाएंगे तो ये जो भी इसके अंदर जो मटेरियल है वो जल जाएगा और उसकी राख बन जाएगी। राख बनने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको इसे इस तरह से जलाना है, और जब आप इसे जलाएंगे तो इसकी राख बन जाएगी दोस्तों। और इसमें बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको बस इन चीज़ों का इस्तेमाल करके इसे जला देना है। जब ये जल जाएगा तो फिर आपका कार्य हो जाएगा। उसके बाद आपको बस इसका कुछ और उपाय नहीं करना पड़ेगा, आपका कार्य तुरंत हो जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं इनको जला रही हूँ, इसी तरह से आपको भी इस कागज़ को पूरी तरह से जला देना है। और इसके अंदर जो हमने तीली डाली थी जिसमें सिंदूर लगा हुआ है वो भी इसमें इस तरह से जल जाएगा।
और उसके बाद जब ये चीज़ राख बन जाएगी तो फिर आपको इसका आगे का उपाय करना होगा। तो हमें बस तब तक इंतज़ार करना है जब तक ये पूरी तरह से कागज़ जल ना जाए। जब ये जल जाएगा उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने आगे के मंत्र के लिए। तो जितना भी ये जल चुका है इसके बाद दोस्तों आपको इसे इस तरह से जब ये बुझ जाए, जब इसकी जो पूरी की पूरी राख जो है वो ठंडी हो जाए उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक दूसरा कागज़ लेना होगा, एक साफ कागज़। आप एक सादा कागज़ ले लीजिए और इसमें जितना भी सामान है जो हमने अभी इस्तेमाल किया वो सब चीज़ों को आपको इस तरह से निकाल लेना है कागज़ के अंदर, और उसकी आपको ऐसे फोल्ड करके आपको उसका इस तरह से ये इसे फोल्ड कर देना है। दोस्तों ये फोल्ड हो गया है हमारा, जो हमने वशीकरण का उपाय किया वो हमारा इस कागज़ के अंदर है। अब आपको बस इसे लेकर जाना है और इसे आपको पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के वहाँ पर दबा देना है। कुछ ही घंटों में दोस्तों आपका कार्य पूरा हो जाएगा, आपकी प्रेमिका आपकी बाहों में होगी। आपका प्रेमी अगर आपसे रूठा हुआ है तो वो आपके पास वापस चला आएगा। और अगर आप इसके बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपको इसके बारे में और जानकारी बता सकते हैं। दोस्तों अब आज के लिए बस इतना ही, अगर आपके कोई भी सवाल है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।